कुछ महीने तक वर्कआउट नहीं कर सकते। पर क्या बस यहीं तक था सफर? आपको क्या लगता है, बॉडी के सिर्फ सोचने से बन जाती है? जिस तरीके से एक पौधे को पेड़ बनने के लिए जरूरत होती है खाद, हवा, पानी, धूप की, उसी तरीके से इस शरीर को वज्र सा बनाने के लिए जरूरत पड़ती है प्रॉपर डाइट, अच्छा वर्कआउट, सप्लीमेंट और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट की। तो डाइट में क्या, कब और कितना खाना है, ये सब निर्धारित करना पड़ता है। आप खुद सोचो, अगर आपको एक ही तरीके की सब्जी 2 से 3 दिन खानी पड़े तो आप घर में खाना खाना बंद कर दोगे, या फिर किसी दिन आप थोड़ा एक्स्ट्रा खा लेते हो तो अगले दिन आपका खाने का मन नहीं करता, आप बोलते हो यार आज खाना नहीं खाऊंगा। पर क्योंकि मुझे अपने शरीर को वापस पाना था तो वहां ऐसा नहीं चलता। खाना तो चेंज करना बहुत दूर की बात है, आप 1 ग्राम भी इधर से उधर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपने लिए नहीं खाना, आपको मसल को फीड करना है, फिर संडे हो या मंडे। यू कैन नॉट चीट, यू कैन नॉट स्किप। अब गाड़ी में पेट्रोल तो डाल लिया, पर गाड़ी अगर चलाओगे नहीं तो खड़ी खड़ी खराब हो जाएगी। उसी तरीके से खा तो लिया, पर उतना ही वर्कआउट भी करना पड़ता है, जो कि कोई मजाक नहीं है। जिस तरीके से लोहे को आकार देना मुश्किल होता है, पर लोहार औजारों का इस्तेमाल करके उसको आकार दे ही देता है, उसी तरीके से जिम में वेट्स का इस्तेमाल करके शरीर को आकार देना पड़ता है, जो कि उतना ही कठिन होता है। पर मैं अपना हर वर्कआउट सेशन ये सोच के करता हूं कि ये मेरा लास्ट वर्कआउट सेशन है, इसीलिए मैं उसमें अपना सब कुछ दे देता हूं। और हर सेट में वो 2 से 3 एक्स्ट्रा रेपिटेशन जो अधिकतर लोग छोड़ देते हैं, आपको करने ही पड़ते हैं, क्योंकि आपके पास छोड़ने की चॉइस नहीं होती, और वही चीज आपको चैंपियन भी बनाती है। डाइट और वर्कआउट के साथ साथ आपको सपोर्ट करते हैं सप्लीमेंट। क्योंकि अगर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाना है या अपनी फिजिक को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो सप्लीमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। बॉडी बिल्डर कलाकार होता है, अपने शरीर को तराश के जो वो एक चित्र बनाता है, सप्लीमेंट उसमें रंग भरने का काम करते हैं। चेरी ऑन टॉप ऑफ केक, तो आपके खाने को पूरा करने में और आपको लास्ट रेपिटेशन तक सक्षम बनाए रखने में सप्लीमेंट आपके दोस्त बनते हैं। इन सभी के साथ साथ एक
और इम्पॉर्टेंट चीज है आपकी सराउंडिंग, आपके क्लोज फ्रेंड, टीम, पर सबसे महत्वपूर्ण है आपका परिवार। मेरी फैमिली भी मेरे साथ खड़ी रही है, खाता मैं था, बनाता कोई और। वर्कआउट मैं करता था पर थकता मेरा परिवार भी था। चोट मुझे लगती थी दर्द उनको भी होता था, पर जब भी लाइफ में आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपके साथ साथ आपके परिवार को भी संघर्ष करना पड़ता है। मेरी फैमिली और मेरी सराउंडिंग ने तो मेरा बहुत साथ दिया, पर मंजिल इतनी भी आसान नहीं होती। कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जो आपके हौसले तोड़ देती हैं और आपको लगता है सब खत्म हो गया। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन जिम में मैं वर्कआउट कर रहा था और वैसे तो वर्कआउट करते हुए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ होता ही रहता है, पर ये थोड़े से कुछ ज्यादा था एंड आई कुड फील इट। यतिंदर जी की पुरानी स्पाइन इंजरी थी, इस एक्सीडेंट की वजह से उनको बहुत डैमेज हुआ है। और वहां जाने के बाद मुझे पता चला, मेरी तो यही सलाह रहेगी कि ये कुछ महीने तक वर्कआउट नहीं कर सकते। और ये सुनने के बाद मैं बहुत हताश हुआ। डॉक्टर की बात मान तो ली, पर क्या बस यहीं तक था सफर? नहीं, क्योंकि जीवन में मैंने इतना तो समझा है कि अंत में सब ठीक हो जाता है। ठीक ना हो तो समझो अंत हुआ ही नहीं। कामयाबी का रास्ता पकड़ा है अगर तो हर दिन एक नया इम्तिहान होगा, पर अपना विश्वास खोने ना दें। परिस्थितियां बहुत आएंगी, कदम डगमगाएंगे, आंसू भी आएंगे, पर उनको अपने पे हावी होने ना दें। लेट्स ट्रेन एंड गेम।